आईपीएल के पिछले सीजन के बाद इस सीजन में भी मांकडिंग रूल चर्चा में आ गया है। सोमवार रात दिल्ली और आरसीबी के मैच में दिल्ली के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के एरॉन फिंच को मांकडिंग से आउट नहीं किया। हालांकि बाद में अश्विन ने साफ कर दिया कि यह बॉल डिलीवरी से पहले क्रीज पार करने वाले नॉन स्ट्राइकर के लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। आगे से अगर किसी बल्लेबाज ने क्रीज पार की तो उसे अश्विन नहीं बख्शेंगे। आइए पहले मांकडिंग होता क्या है समझ लेते हैं। अगर कोई गेंदबाज गेंद फेंकने के लिए एक्शन लेता है और अगर उसी वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद बल्लेबाज अगर क्रीज से बाहर निकल जाता है तो बॉलर वहां की बेल्स गिरा सकता है। इस तरह से आउट करने के तरीके को मांकडिंग कहा जाता है। बात 13 दिसंबर 1947 की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान भारत के विनू मांकड़ ने ऑस्ट्रेलिया के विल ब्राउन को इसी तरह से आउट किया था। इसके बाद वीनू के सरनेम के आधार पर यह तरीका मांकडिंग कहलाया। क्रिकेट में यह नियम लागू तो होता है, पर कुछ जानकार पूर्व खिलाड़ी इसके पक्ष में हैं तो कुछ का कहना है कि बल्लेबाज को आउट करने का यह तरीका खेल भावना से विपरीत है। इससे पहले अश्विन ने पिछले सीजन में बटलर को ऐसे ही आउट किया था। आईपीएल 2019 में अश्विन किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान थे। राजस्थान के खिलाफ एक मैच में उन्होंने जॉस बटलर को ऐसे ही आउट किया था। सोमवार रात फिंच को अश्विन मांकडिंग से आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खेल से जुड़े हर खबर पर पकड़ रखने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रोशन भूमियार, नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।